नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टंप लाइन पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कॉटलैंड वर्सेस नामीबिया, जो कि T20 वर्ल्ड कप 2024 की 12वीं मैच है। तो इस मैच का हम ग्रैंड लीग का प्रेडिक्शन करने वाले हैं। तो ये जिस ग्राउंड पर ये मैच रहेंगी, उस ग्राउंड का नाम है कैंसिंगटन ओवल, ब्रिज टाउन, बारबाडोस। तो इस ग्राउंड पर जो मैच रहेंगी, ये कल मैच रहेंगी, यानी कि 7 जून 2024 को रात को 12:30 बजे, यानी कि 12:30 AM को ये मैच रहेंगी 7 जून को। तो चलिए उस ग्राउंड पर किस तरह से स्कोर बनता है, किस तरह से स्पिनर को विकेट मिलते हैं, फास्टर को विकेट मिलते हैं या नहीं, अगर कोई बल्लेबाज हाई स्कोर करता है तो कितने तक कर सकता है, ये सब हम स्टैट्स के सहारे जानने की कोशिश करेंगे। और ग्रैंड लीग की टीम बनाएंगे, ऐसी टीम बनाएंगे जो फर्स्ट रैंक या फिर टॉप रैंक लाने के काबिल हो। तो किस तरह से ग्रैंड लीग की टीम बनानी है वो बताऊंगा, टिप्स बताऊंगा, किस तरह से प्लेयर का सिलेक्शन करना है, कहाँ पे कितने ट्रंप डालना है, वो सब बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो ग्राउंड है कैंसिंगटन ओवल, ब्रिज टाउन, बारबाडोस, जो कि वेस्ट इंडीज़ का ग्राउंड है। तो इस ग्राउंड पर जो रिसेंट मैचेस हो चुके हैं वो कौन से डेट को हो चुके हैं, और फर्स्ट इनिंग में किस तरह से स्कोर बनाए, सेकंड इनिंग में किस तरह से बनाए, ये सब दिखाने के लिए मैंने ये स्टैट्स लिखा है। तो आप देख सकते हैं, इस स्टैट्स में गौर करने लायक बात यह है कि इस फर्स्ट इनिंग में आपको 4 से लेकर 10 तक विकेट गिरते हुए दिख रहे हैं, यानी कि फर्स्ट इनिंग में टीम ऑल आउट हो रही है। और सेकंड इनिंग की अगर बात करूँ तो यहाँ पे एक बार आपको यहाँ पर दिख रहा है, वेस्ट इंडीज़ ने 22/1/2022 को 104 रन बनाए, लेकिन सिर्फ एक ही विकेट गंवाई थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सेकंड इनिंग में कोई कोई टीम कम विकेट गंवा कर रन चेस कर रही है। तो लेकिन ऐसा एक ही बार हुआ है, उसके अलावा आप देखेंगे तो 4 से लेकर 10 तक सेकंड इनिंग में भी विकेट गिर चुके हैं, यानी कि इस ग्राउंड पर अच्छे खासे विकेट गिरते हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो। फर्स्ट इनिंग में भी 10 विकेट गिरते हैं, सेकंड इनिंग में भी 10 विकेट गिरते हैं। तो आपको 4 से लेकर 10 तक विकेट गिरते हुए दिखेंगे, तो आपको इस मैच में गेंदबाजों को ज़्यादा लेना है, यानी कि इस ग्राउंड पर ज़्यादा विकेट गिर रहे हैं, इसलिए आप गेंदबाजों पे आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा। बल्लेबाजों के कंपैरिजन में गेंदबाजों पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रखिए। तो चलिए और कुछ आपको स्टार्ट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये स्टार्ट दिखाए, ये सभी T20 इंटरनेशनल के हैं जो इस ग्राउंड पर हो चुके हैं। तो इस ग्राउंड पर कुछ इस T20 वर्ल्ड कप 2024 के 3 मैचेस भी हो चुके हैं, चलो उसका भी मैं आपको स्टैट दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि इस ग्राउंड पर किस तरह से गेंदबाजी, बल्लेबाजी या फिर स्कोर बन रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो मैच हुई है 3 जून 2024 को, ये तीसरी T20 वर्ल्ड कप की मैच थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट इनिंग जो ओमन की थी तो वो टीम ऑल आउट हो गई थी, और सेकंड इनिंग आप देख सकते हैं नामीबिया, इसके भी 6 विकेट गिर गए, यानी कि इस ग्राउंड पर एक टीम ऑल आउट हो गई और दूसरी 6 विकेट गिरे, यानी कि अच्छे खासे दोनों भी इनिंग में विकेट गिरे। उसी तरह से दूसरी मैच इस ग्राउंड पर हुई, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो दूसरी मैच हुई स्कॉटलैंड वर्सेस इंग्लैंड, तो इसमें स्कॉटलैंड ने अच्छी खासी बल्लेबाजी की थी, लेकिन बारिश की वजह से ये कैंसिल हो चुकी थी मैच। तो इस वजह से यहाँ पर विकेट गिरते हुए नहीं दिखे, नहीं तो स्कॉटलैंड के भी 4 तक विकेट गिर जाते थे, सिर्फ 10 ही ओवर यहाँ पर हो चुके थे। तो बारिश ना होती तो हो सकता था कि 4 विकेट या फिर उससे ज़्यादा ही गिर जाए। तो ये दूसरी मैच मैंने आपको दिखा दिया, और तीसरी मैच दिखाता हूँ इस ग्राउंड पर जो हुई 6 जून 2024 को, ये 10वीं T20 मैच वर्ल्ड कप की मैच हुई। तो इसमें आप देख सकते हैं, यानी कि आज ही हुई है ये, सुबह आज की मैच थी, तो ये 6 बजे की मैच थी सुबह के, तो ये आज की मैच है। तो इस मैच में भी आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो विकेट गिरे हैं, 5 गिरे, यानी कि 4 से ऊपर ही गिरे हैं, 4 से ऊपर ही विकेट इस ग्राउंड पर गिर रहे हैं। और ओमन की अगर बात करें तो इसमें भी आपको विकेट 9 गिरे ओमन के,
तो आप देख सकते हैं इस ग्राउंड पर 4 से लेकर 10 तक विकेट गिर रहे हैं, तो आपको यही ध्यान में रखते हुए अपनी टीम बनानी है। तो चलिए और कुछ आपको स्टार्ट दिखाता हूँ। तो अब मैं आपको बैट्समैन के स्टार्ट बताऊंगा इस ग्राउंड पर किस तरह से बनते हैं। तो यहाँ पे कुछ CPL के भी मैंने पुराने मैचेस कवर किए, तो CPL मतलब कैरेबियन प्रीमियर लीग, तो T20 का ये फॉर्मेट है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं फर्स्ट इनिंग में 4 से ऊपर ही आपको विकेट गिरते हुए दिख रहे हैं, और सेकंड इनिंग में भी आप देख सकते हैं सेकंड इनिंग में कई बार टीम ऑल आउट हो चुकी है कई बार। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4/9/2023 को इसमें बारबाडोस की टीम 223 रन बनाई थी, तो सिर्फ 2 ही विकेट गंवाई थी, तो काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की। उसके बाद 13/9/2023 की मैच देखी है, गायाना की टीम 155 रन बनाए, सिर्फ 3 ही विकेट गंवाई थी, तो इसमें दोनों ने भी रन चेस कर लिया और विकेट भी कम गिरे। तो सेकंड इनिंग में थोड़े विकेट कम गिरने के चांसेस है, लेकिन फर्स्ट इनिंग में थोड़े ज़्यादा गिर रहे, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखते हुए टीम बना सकते हैं। तो चलिए बैट्समैन का भी स्टार्ट दिखा देता हूँ। तो इस ग्राउंड पर जो T20 इंटरनेशनल में जिस भी बैट्समैन ने हाई स्कोर किया है उन सभी को सभी का स्टैट्स मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो उनका नाम लिख दिया है कौन से मोड में बनाए हैं, यानी कि T20 इंटरनेशनल है या CPL है, तो कितने मैच खेले और हाई स्कोर कितना बनाए वो यहाँ पर लिख दिया है। तो आप देख सकते हैं इस ग्राउंड पर रोमन पावेल ने इस ग्राउंड पर 107 रन बनाए हैं। तो यहाँ पर हाई स्कोर की अगर बात करो तो 67 से लेकर 107 तक T20 इंटरनेशनल में हाई स्कोर हो चुका है, यानी कि यहाँ पर ये जो पीछे बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक है इस पर 50 रन कोई हाई स्कोर बना सकता है या फिर 100 तक बना सकता है। तो चलिए अब मैं आपको CPL का भी स्टार्ट दिखा देता हूँ। तो CPL के बल्लेबाजों ने किस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी की है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 बल्लेबाजों ने इस ग्राउंड पर सेंचुरी लगाई है, तो इस ग्राउंड पर सेंचुरी लगा सकते हैं कोई बल्लेबाज, नामी पिया हो या फिर स्कॉटलैंड हो। तो आप ऐसा मत सोचिए कि ये टीम बहुत छोटी है ये कहाँ से बनाएंगे, ऐसा मत सोचिए। कुछ कुछ बल्लेबाज उनके टीम में ज़रूर है जो सेंचुरी मार सकते हैं, लेकिन उसके चांसेस थोड़े कम रहेंगे, फिर भी मार सकते हैं, उसमें दम है, तो उनको हल्के में मत लीजिएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं CPL के जो स्कोर बन चुके हाई स्कोर इस ग्राउंड पर किसी भी बल्लेबाज की तरफ से, तो 80 से लेकर 110 तक हाई स्कोर बन चुका है। तो आप कल के मैच में किसी भी बल्लेबाज को कैप्टन बनाकर उसके तरफ से 80 से लेकर 100 रन तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। चलो अब मैं आपको बॉलिंग का भी स्टार्ट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए बॉलिंग का स्टैट्स इस ग्राउंड पर केंसिंगटन ओवल बारबाडोस का ये जो स्टेडियम है ब्रिजटाउन बारबाडोस, तो इसमें आप देख सकते हैं जो T20 इंटरनेशनल में गेंदबाजी हुई है तो गेंदबाजों को 3 विकेट मिल गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फास्टर को 3 विकेट मिली है इस ग्राउंड पर, स्पिनर को मिली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जेसन होल्डर ने इस ग्राउंड पर 8 मैच खेले 18 विकेट निकाले हैं और 2 बार 3 विकेट निकाले हैं। उसी तरह से अकील हुसैन जो कि वेस्ट इंडीज़ का स्पिनर है, इसने 7 मैच इस ग्राउंड पर खेले 9 विकेट निकाले और 1 बार 3 विकेट भी मिले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पिनर और फास्टर दोनों को भी विकेट गिरते हुए आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में स्पिनर और फास्टर दोनों को भी 3-3 विकेट मिल रहे हैं। तो देख सकते हैं बाकी के प्लेयर का भी आप स्टार्ट देखिए विकेट निकाला और 3 विकेट कितने बार निकाला है। उसी तरह से इंडिया का तेज गेंदबाज भी आशीष नेहरा, इसने भी इस ग्राउंड पर 2 मैच खेले 5 विकेट निकाले और 1 बार 3 विकेट निकाले एक ही मैच में। उसी तरह से CPL का भी आप देख सकते हैं, इसमें भी आपको स्पिनर दिख रहा है फास्टर दिख रहा है, तो एशली नर्स आपको जो दिख रहा है वो 17 मैच खेल चुका है 11 विकेट निकाल चुका है और 1 बार 3 विकेट निकाल चुका है। तो बाकी का प्लेयर का आप देखिए फास्ट बॉलर यहाँ पर 3 विकेट निकाल रहे हैं, स्पिनर निकाल रहे हैं, तो आपको स्पिनर और फास्टर दोनों को भी रखना है आज के मैच में। तो ये पुराने मैचेस दिखा दिया, चलो अब मैं आपको एकदम नए मैचेस दिखाता हूँ जो कि इस ग्राउंड पर हो चुके हैं T20 वर्ल्ड कप के। तो आप देख सकते हैं ओमन वर्सेस नामीबिया की जो मैच हुई थी इस ग्राउंड पर T20 वर्ल्ड कप की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
स्पिनर दो चले, स्पिनर को गेरार्ड एरास्मस और बर्नार्ड स्कोल्स, इसको दोनों को भी, दोनों भी स्पिनर थे तो दोनों को एक एक को एक विकेट और दूसरे को दो विकेट मिले, यानी कि स्पिनर को यहाँ पर दो विकेट या फिर एक विकेट मिले, यानी कि इस ग्राउंड पर स्पिनर को विकेट है। उसी तरह से ट्रम्पल मैन और डेविड विज जो आपको दिख रहा है, ये तेज गेंदबाज है और उनको तीन विकेट मिली है, दोनों को भी तीन तीन से तीन विकेट मिले, यानी कि ट्रम्पल मैन को चार मिले वैसे तो, लेकिन तीन से ऊपर दोनों को भी मिली है। तो यहाँ पर अच्छे खासे स्पिनर और फास्टर दोनों को भी मदद है, तो दोनों भी विकेट ले रहे हैं। उसी तरह से नामीबिया और ओमन की जो दूसरी इनिंग थी उसमें आप देख सकते हैं बिलाल खान जो कि फास्ट गेंदबाज है, तो उसको यहाँ पर एक विकेट मिली है। अकीब इलियास ये स्पिनर है, इसको एक विकेट मिली। आयान खान जो कि स्पिनर है, इसको एक विकेट मिली। मेहरन खान, इसको, ये फास्ट गेंदबाज है तो इसको तीन विकेट मिली, यानी कि तेज गेंदबाज रहो या फास्ट गेंदबाज दोनों को तीन विकेट मिल सकते हैं। फिलहाल तो इस ग्राउंड पर इस T20 वर्ल्ड कप में तेज गेंदबाज को तीन विकेट मिल चुके हैं, तो आप किसी तेज गेंदबाज को वाइस कैप्टन या फिर कैप्टन बना सकते हैं। तो यहाँ पर दिखा दिया मैंने आपको। और चलिए जो मैच हुई थी इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड की जो मैच हुई थी इसके बाद की, वो कैंसिल हो चुकी थी बारिश की वजह से, इसलिए उसका मैंने स्टार्स कवर नहीं किया गेंदबाजों का। वैसे भी स्कॉटलैंड के एक भी विकेट नहीं गिरे थे, तो बताकर कोई फ़ायदा नहीं है कि स्पिनर को कितने मिले फास्टर को, क्योंकि किसी को मिले ही नहीं थे, सिर्फ 10 ही ओवर हुए थे और मैच कैंसिल हो गए। तो आप देख सकते हैं इसमें ऑस्ट्रेलिया और ओमन की जो सुबह की मैच थी, आज की मैच जो कि 5 बजे थी, तो सॉरी 6 बजे थी, 6 AM को, तो इसमें आप देख सकते हैं तीन फास्टर को विकेट मिले, स्पिनर को नहीं मिले फर्स्ट इनिंग में, यानी कि बिलाल खान को और कलीमुल्ला और मेहरन खान को, इनको दोनों को एक विकेट और एक को दो विकेट मिले। अकीब इलियास जो कि स्पिनर है, इसको विकेट नहीं मिले, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो स्पिनर है उसको विकेट मिले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पिनर आज एडम थाम्पा, इसको दो विकेट मिले, और फास्ट गेंदबाज आप देख सकते हैं तीन विकेट स्टॉइनिस को मिले, दो विकेट नैथन एलिस और स्टार्क को दो विकेट, यानी कि स्पिनर फास्टर दोनों को विकेट है, इसलिए आपको दोनों को रखना है। तो ये मैंने बॉलिंग का स्टार्ट दिखा दिया, कौन किसको कितने विकेट मिल रहे हैं। अब इस ग्राउंड पर कितने हाई स्कोर बन सकता है वो आपको बताता हूँ। तो इस ग्राउंड पर हाई स्कोर की अगर बात करें तो इस केंसिंगटन ओवल ब्रिजटाउन बारबाडोस का जो ग्राउंड है, यहाँ पर इंटरनेशनल मैच में और CPL के मैच में हाई स्कोर लो स्कोर कितना हो चुका है वो यहाँ पर मैंने स्टैट्स लिखा है। तो फर्स्ट इनिंग का हाई स्कोर इस ग्राउंड पर 224 है, सेकंड इनिंग का हाई स्कोर इस ग्राउंड पर 204 है इंटरनेशनल मैच में, और लो स्कोर की अगर बात करूँ तो इंटरनेशनल मैच में फर्स्ट इनिंग का लो स्कोर 97 है और सेकंड इनिंग का लो स्कोर 102 है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस ग्राउंड पर 100 से लेकर 230 तक हाई स्कोर बन सकता है, 100 का लो स्कोर और 230 तक हाई स्कोर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं CPL के मैचेस में भी उसी तरह से हुआ है, लेकिन CPL के मैच में लो स्कोर बहुत ही कम हुआ है, यानी कि 52 हो गया है, 53 हो गया है। और फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग का हाई स्कोर की अगर बात करें तो CPL में 226 एक बार हुआ, 223 एक बार हुआ, यानी कि यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 60 से लेकर 230 तक इस ग्राउंड पर स्कोर बन सकता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि 150 बनेगा, 160 बनेगा, 170, 180, 200 बनेगा, इनमें से कोई भी कंफर्म नहीं है, 60 से लेकर 230 तक कोई भी बन सकता है। आप जो भी सोचते हो उस हिसाब से आप टीम बना सकते हो, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और आप जिस तरह से सोचेंगे उस तरह से हो सकता है, इसलिए आप जो भी स्कोर सोचेंगे उस हिसाब से आप टीम बना सकते हो। तो चलिए मैं आपको अब दोनों भी टीम के तरफ से जो बैटिंग ऑर्डर है वो बताऊंगा, उसके बाद मैं टीम बनाकर दिखाऊंगा किस तरह से ग्रैंड लीग की टीम बनानी है इस स्टैट्स के मदद से। तो आप देख सकते हैं नामीबिया के T20 इंटरनेशनल का जो बैटिंग ऑर्डर है, तो आप देख सकते हैं नामीबिया के तरफ से कोडजी क्रूगर या फिर M1 लिंगेन ये ओपनिंग करने आते हैं। उसके अलावा जो सेकंड नंबर पे बल्लेबाजी करने आता है वो क्रूगर या फिर एन डेविन आता है, तो ये ओपनिंग बल्लेबाज है। तो
कोर्जे का जो ओपनिंग जो बैटिंग ऑर्डर है इसका कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये कभी ओपनिंग करता है, कभी तीसरे पे आता है, कभी चौथे पे आता है, तो इसका कोई कंफर्म नहीं है। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सातवें नंबर पे भी आ चुका है कोर्जे, तो इसका कोई कंफर्म बैटिंग ऑर्डर नहीं है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो क्रूगर, इसका भी कंफर्म नहीं है, कभी पहले पे आता है, कभी दूसरे पे आता है, ये फिर भी ओपनिंग करता है। लेकिन M1 लिंगे आपको जो दिख रहा है ये ओपनिंग ज़रूर करेगा, तो इसको आप रख सकते हैं। एंडेविन ये भी ओपनिंग करेगा, तो इसको आप रख सकते हैं। ओपनिंग बल्लेबाज समझ कर आप इसको रख सकते हैं। और गेरार्ड इरास्मस आपको जो दिख रहा है इसका भी कोई कन्फर्म नहीं है, कभी तीसरे पर आता है, कभी चौथे पर आता है। उसी तरह से फ्राइलिंग का भी कन्फर्म नहीं है, फ्राइलिंग कभी तीसरे पर आता है, कभी चौथे पर। और आप चौथे नंबर पे देख सकते हैं जे स्मिथ आपको दिख रहा है, इसका भी कोई कंफर्म नहीं है, चौथे पे आता है, कभी पाँचवें में आता है। वैसे तो पाँचवें पर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन पाँचवें पे भी आता है। जैन ग्रीन ये भी, बाकी के प्लेयर का आप देख सकते हैं, बल्लेबाज हो या फिर ऑलराउंडर हो या फिर बैट्समैन हो, वो कौन कौन से प्लेयर कौन से नंबर पर आता है वो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप खुद चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब आपको इनमें से कौन कौन से गेंदबाज है जो गेंदबाजी कर सकते हैं वो बताता हूँ। तो यहाँ पे जो आपको 8 नंबर से लेकर 11 नंबर तक जितने भी प्लेयर दिख रहे हैं, लीचर हो गया, ट्रम्पल मैन, बैलिगनट हो गया, जेन ग्रीन को छोड़कर बाकी के प्लेयर जैसे कि बीस कॉल्ड, लीचर, जे ब्रासेल, शिकोंगो, लूंगा मैनी, तो ये जो आपको सभी के सभी प्लेयर बताया है वो सभी के सभी गेंदबाजी करेंगे, कन्फर्म गेंदबाजी अगर खेलते हो तो। और उसके अलावा अगर गेंदबाजों की बात करें तो एरास्मस गेंदबाजी करता है, और डेविड विज करता है, उसके अलावा प्राइलिंग गेंदबाजी करता है, और इसके अलावा गेंदबाजी लिंगे करता है। तो ये कुछ प्लेयर है जो गेंदबाजी कर सकते हैं। तो इसमें से 4 ओवर किसके कंफर्म है, तो 4 ओवर कंफर्म तो नहीं बोलूँगा, अगर पिटाई होगी तो वो 4 ओवर नहीं डालेंगे। तो मेन बॉलर कौन कौन से है वो बताऊँगा, उसके बाद कौन 1 से लेकर 3 ओवर डालेंगे वो बताऊँगा। तो मेन बॉलर शिकोंगो है, लूंगा मैनी है, 10वें नंबर पर लीचर है, ब्रेसेल है, और 9वें नंबर पे जो आता है स्कोर्स है मैन बॉलर, उसके बाद डायलन लीचर, ट्रम्पल मैन मैन बॉलर है, बालिगनट मैन बॉलर है, उसके अलावा ऑलराउंडर की अगर बात करूँ तो प्राइलिंग मैन बॉलर है और डेविड विज मैन बॉलर है। तो ये कुछ गेंदबाज हैं, और गेरार्ड इरास्मस ये मैन बॉलर है। तो ये कुछ बॉलर है जो कन्फर्म बॉलिंग डालेंगे। तो इनमें से 4 ओवर कौन डालेगा, तो 4 ओवर वही डालेगा जिसकी इकोनॉमी अच्छी रहेंगी उस मैच में, और जो विकेट लेगा उसकी 4 ओवर डालने के चांसेस है, और जो जिसकी पिटाई होगी 2 ओवर में 25 या फिर 30, उसको 4 ओवर नहीं मिलेंगे, चाहे वो मेन गेंदबाज हो या फिर नहीं हो। तो आप इससे ये जो गेंदबाज है वो सब मैंने बता दिया कौन गेंदबाजी करेंगे, 1 से लेकर 3 ओवर कौन डालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो 1 से लेकर 3 ओवर यहाँ पे इरास्मस, फ्राइलिंग और लीचर, स्कोल्ड्स, बैलिगनट, ये है गेंदबाज जो 1 से लेकर 3 ओवर डालेंगे। तो चलिए अब मैं आपको दूसरे भी टीम का बैटिंग ऑर्डर और कौन कौन बल्ले गेंदबाजी करेंगे वो बताता हूँ, उसके बाद हम टीम बनाएंगे। तो यहाँ पर चलो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कॉटलैंड की बैटिंग ऑर्डर, स्कॉटलैंड टीम का। तो आप देख सकते हैं इस स्कॉटलैंड की टीम के तरफ से जो ओपनिंग करने आएगा वो उसमें कंफर्म ओपनिंग करेगा वो प्लेयर ये ओली हैरिस है, ब्रैंडन मैकमुलन है, माइकल जॉन्स है और जॉर्ज मुंशी है। तो माइकल जॉन्स पिछले मैच में जॉर्ज मुंशी के साथ ओपनिंग किया था, और जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ब्रैंडन मैकमुलन, तो इस तक तो बैटिंग ही नहीं आई थी,
क्योंकि स्कॉटलैंड के विकेट ही नहीं गिरे थे इंग्लैंड के खिलाफ। तो ओपनिंग माइकल जॉन्स और जॉर्ज मुंसी, ये दोनों खेलते हैं तो दोनों कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे मैकमुलन आएगा क्योंकि इसका कोई कंफर्म बैटिंग ऑर्डर नहीं है, कभी ये दूसरे पे आता है कभी तीसरे पे आता है। उसी तरह से ओली हैरिस आपको जो दिख रहा है इसका कन्फर्म है, अगर ये खेलता है तो कन्फर्म सेकेंड नंबर पर बल्लेबाजी करेगा। उसी तरह से चार्ली टीयर आपको दिख रहा है, ये इसका कंफर्म नहीं है, ये कभी तीसरे पे आता है कभी चौथे पे। उसके अलावा आप देख सकते हैं माइकल जॉन्स का कंफर्म नहीं है, माइकल जॉन्स कभी पहले पे आता है कभी दूसरे सॉरी तीसरे पे आता है। तो जॉर्ज मुंसी के साथ ओली हैरिस ओपनिंग कर सकता है, ब्रैंडन मैकमुलन कर सकता है या फिर माइकल जॉन्स भी कर सकता है। तो ये बैटिंग ऑर्डर है। उसी तरह से आप देख सकते हैं चौथे नंबर पे बैरिंगटन या फिर चार्ली टीयर आते हैं, पांचवें नंबर पे मैथ्यू क्रॉस और माइकल लिस्क, और माइकल लिस्क का भी कोई कंफर्म नहीं है, ये कभी पांचवे पे आता है कभी छठवे पे आता है। तो उसके अलावा मार्क वैट आपको दिख रहा है, इसका भी कोई कन्फर्म नहीं है, कभी सातवें पे कभी आठवें पे कभी नब्बे पे। क्रिस ग्रीव्स का भी कन्फर्म नहीं है, ये भी कभी आठवें पे आता है कभी सातवें पे आ जाता है। तो ये है इनका बैटिंग ऑर्डर। बाकी प्लेयर का आप देख सकते हैं कौन बल्लेबाजी करेगा कौन गेंदबाजी करेगा, तो वो भी सॉरी इसमें से कौन कितने नंबर पे आएगा, बल्लेबाज कौन सा है, किस कितने नंबर पे आएगा, वो किस तरह का गेंदबाज है, स्पिनर है या फिर फास्टर है, वो यहाँ पर मैंने दिखा दिया है। तो आप देख सकते हैं इनमें से मेन बॉलर कौन कौन से है। ब्रैड क्यूरी मेन बॉलर है, ब्रैड विल मेन बॉलर है, शाफियान शरीफ ये मेन बॉलर है, उसके अलावा क्रिस सोल मेन बॉलर है, उसके अलावा मेन बॉलर यहाँ पे माइकल लिस्क है, ये मेन बॉलर है, गेंद बॉलिंग डालेगा। उसके अलावा मार्क वैट गेंदबाजी करेगा, जैक जार्विस ये भी मेन बॉलर है। तो इनमें से चार ओवर कौन डालेगा और एक से लेकर तीन कौन डालेगा। ब्रैड क्यूरी चार ओवर डालेगा, ब्रैड विल चार ओवर डालेगा, सफियान शरीफ चार ओवर डालेगा, क्रिस सोल चार ओवर डालेगा, क्रिस ग्रीव चार ओवर डालेगा, ये कभी डालता है कभी नहीं डालता। उसी तरह से माइकल लिस्क भी कभी चार डालता है कभी नहीं डालता, जार्विस चार ओवर डालेगा। उसके अलावा मैथ्यू क्रॉस ये तो गेंदबाजी नहीं करेगा, उसके अलावा कोई नहीं। तो ये प्लेयर है जो गेंदबाजी करेंगे, तो एक से लेकर तीन ओवर डालने के किसके चांसेस ज़्यादा है, तो एक से लेकर तीन ओवर डालने के चांसेस लिस्क के हैं, उसके अलावा जार्विस के हैं और ग्रीव्स के हैं, क्रिस ग्रीव्स और क्रिस सोल। तो ये कुछ प्लेयर है जो एक से लेकर तीन ओवर डालेंगे, और चार ओवर मैंने जो बोला जो डालेंगा तो वो कन्फर्म नहीं है उनका भी चार ओवर, अगर उनकी पिटाई होती है तो चार ओवर तो नहीं मिलेंगे, तो उनको चार ओवर नहीं मिलेंगे, उनके जगह पे किसी और गेंदबाज को गेंदबाजी मिल जाएगी। तो जिसकी पिटाई होगी उसको चार ओवर नहीं मिलेगा, चाहे वो मेन गेंदबाज हो या फिर पार्ट टाइम गेंदबाज हो। तो चलिए अब मैं आपको टीम बनाकर दिखाता हूँ, मैं सभी आपको बता दिया कौन कितने नंबर पर आएगा कौन कितने ओवर डालेंगे ये बता दिया। चलो अब मैं आपको टीम बनाकर ग्रैंड लीग की टीम, तो मैं टिप्स बताऊंगा किस तरह से टीम बनानी है। तो यहाँ पे हाई सिलेक्शन सभी प्लेयर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं बताऊंगा कि किसे लेना है और किसे ड्राफ्ट करना है। वैसे तो मैं प्लेयर वाइज नहीं बताऊंगा, लेकिन कितने प्लेयर में से कितने ड्राफ्ट करना है वो बताऊँगा। तो यहाँ से हाई सिलेक्शन मैं उन्हें बोलता हूँ जिसका सिलेक्शन परसेंट 50 के ऊपर होता है, उन सभी को मैं हाई सिलेक्शन बोलता हूँ, और 50 के अंदर जिनका सिलेक्शन परसेंट होता है उन सभी को मैं ट्रंप प्लेयर या फिर लो सिलेक्शन प्लेयर बोलता हूँ। तो यहाँ पर 10 प्लेयर ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन परसेंट 50 के ऊपर है, यानी कि हाई सिलेक्शन प्लेयर है। तो आपको इनमें से सभी के सभी प्लेयर को लेकर ग्रैंड लीग की टीम नहीं बनानी है, क्योंकि ऐसी एक भी मैच नहीं जाती है जहाँ पर सभी के सभी हाई सिलेक्शन चलते हैं, एक भी ट्रंप नहीं चलता, ऐसी एक भी मैच अब तक नहीं गई है। तो इसमें से मिनिमम आपको चार प्लेयर लेना है और मैक्सिमम 7 तक लेना है, और बाकी जो जगह बचेगी उसमें मिनिमम 4 ट्रंप प्लेयर और मैक्सिमम 7 ट्रंप प्लेयर डालना है। तो
इनमें से कुछ प्लेयर को आपको ड्रॉप ज़रूर करना पड़ेगा, आपको रिस्क ज़रूर लेनी पड़ेगी। तो चार ट्रंप प्लेयर आपको ज़रूर लेना है, चार ट्रंप प्लेयर में आपको ज़रूर लेना है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि अब तक जब आईपीएल के मैच हो चुके हैं, तो आईपीएल के सभी जो मैचेस हुए फर्स्ट मैच से लेकर फाइनल तक, तो उन सभी मैचेस में चार से कम ट्रंप प्लेयर एक भी मैच में नहीं आए थे। तो ये जो टिप्स है ये ज़्यादा बार काम करती है, इसलिए मैं आपको ये टिप्स देना चाहता हूँ कि इस मैच में चार से कम ट्रंप प्लेयर बिल्कुल मत रखना, मैक्सिमम सात तक आप रख सकते हो। अगर आप T20 वर्ल्ड कप की अगर बात करेंगे, इस T20 वर्ल्ड कप में जितने भी मैच हुए उसमें सिर्फ एक ही मैच ऐसी गई है जहाँ पर तीन ट्रंप प्लेयर चले हैं और आठ हाई सिलेक्शन, तो उसके अलावा जितने भी मैच हुए हर मैच में चार से लेकर सात तक ही ट्रंप चले हैं। तो जो ज़्यादा बार होता है उसको आपको ज़्यादा यूज़ करना है। तो चलिए प्रूफ भी दिखा देता हूँ मैं आपको, तो चलिए प्रूफ दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मैच हुई थी, ये नेपाल वर्सेस नीदरलैंड की जो मैच हुई थी, इसमें आप देख सकते हैं तीन ट्रंप प्लेयर जिनका सिलेक्शन परसेंट 50 के अंदर है, और बाकी के जो प्लेयर है आठ, उनका सिलेक्शन 50 के ऊपर था। तो आठ हाई सिलेक्शन और तीन ट्रंप प्लेयर के साथ भी आप जा सकते हैं, मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा। या फिर आप इसके उल्टा भी कर सकते हैं, तीन हाई सिलेक्शन और आठ ट्रंप प्लेयर, तो इसके लिए भी मैं मना नहीं करूँगा, क्योंकि इस तरह की टीम भी चलती है, क्योंकि आपके सामने सबूत है ये चल चुका है तीन ट्रंप प्लेयर और आठ हाई सिलेक्शन, तो आप ऐसा ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। और मैंने उल्टा जो बताया, जो कि तीन हाई सिलेक्शन और आठ ट्रंप प्लेयर, तो वैसा भी चलता है जो कि T20 वर्ल्ड कप 2024 के मैच में हुआ था। चलो उसका भी प्रूफ दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 52वीं मैच थी आईपीएल की, जो कि आरसीबी वर्सेस जीटी की मैच थी। तो आप देख सकते हैं इसमें आठ जो प्लेयर आपको दिख रहे हैं उन सभी का सिलेक्शन परसेंट 50 के ऊपर अंदर है, यानी कि ये सभी ट्रंप प्लेयर है आठ प्लेयर, और हाई सिलेक्शन जिसका 50 के ऊपर है वो सिर्फ तीन चले। तो इसलिए बोला कि आप ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि ऐसी भी टीम चलती है, इसलिए आपको मैं मना नहीं करूँगा कि ऐसा मत करो, क्योंकि ये सच है जो, और आप सच के आधार पर टीम बनाने वाले हो तो आप ऐसा कर सकते हो। तो ये मैंने आपको दो प्रूफ दिखा दिए, और अगर आपको ट्रंप प्ले सॉरी बॉलिंग सेक्शन, और एक मैं आपको ऐसा दिखाऊंगा प्रूफ जो काम करेगा, टिप्स, मेरी टिप्स। तो वो कौन सी टिप्स है कि बॉलिंग सेक्शन में हर मैच में ट्रंप प्लेयर आते हैं। तो आप देखिए आईपीएल के हर मैच में बॉलिंग सेक्शन में ट्रंप आए हैं, हर मैच में, एक भी ऐसी मैच नहीं गई यहाँ पे 50 के अंदर वाले बॉलिंग सेक्शन में प्लेयर नहीं है, हर मैच में देखिए, हर मैच में बॉलिंग में ट्रंप 50 के अंदर वाले, हर मैच में चेक कीजिए, हर मैच में आ चुके हैं। देख लीजिए आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए, ताकि आप ये ना बोल पाओ कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो इसलिए आपको बॉलिंग सेक्शन में ट्रंप ज़रूर डालना है आज के मैच में, 50 के अंदर वाला आज कन्फर्म बॉल आएगा। तो अगर आप T20 वर्ल्ड कप का भी देखना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं इस T20 वर्ल्ड कप में भी बॉलिंग सेक्शन में ट्रंप आ चुका है। वैसे तो मैंने सभी T20 वर्ल्ड कप के मैचेस को कवर नहीं किया है, लेकिन सभी के सभी मैचेस में बॉलिंग सेक्शन में ट्रंप आ चुका है T20 वर्ल्ड कप में भी। तो आपको इसलिए इस टिप्स का यूज़ करना है, मैंने जो बताया उसको यूज़ करते हुए बॉलिंग में ट्रंप आपको कन्फर्म डालना है। तो ये टिप्स है आपको मेरी तरफ से। और दूसरी टिप्स आपको ये बताना चाहूँगा कि बॉलिंग सेक्शन के अलावा बैटिंग और कीपिंग और ऑलराउंडर, इन सेक्शन में से किसी एक सेक्शन में, या फिर दो सेक्शन में, या फिर तीन सेक्शन में, इनमें से किसी ना किसी एक सेक्शन में कन्फर्म ट्रंप प्लेयर आएगा आज के मैच में, कन्फर्म आएगा। तो आपको वहाँ पर भी यूज़ करना है, चाहे आप एक सेक्शन में रखो, दो सेक्शन में रखो, या फिर तीन में रखो, क्योंकि इसका भी प्रूफ अगर देखना चाहते हो तो देख लो, यहाँ पर आईपीएल के मैचेस का प्रूफ है। तो T20 का फॉर्मेट है, तो इस तरह से मैचेस जाते हैं, तो सेम फॉर्मेट है, इसलिए मैं आईपीएल का भी दिखा रहा हूँ। तो आप देखिए बॉलिंग बैटिंग या फिर कीपिंग सेक्शन में एक ना एक आपको ट्रंप दिखेंगे, एक से ज़्यादा भी दिखेंगे
या फिर एक ना एक कन्फर्म दिखेंगे। ऐसी एक भी मैच नहीं गई है आईपीएल की जहां पर बैटिंग और कीपिंग और बॉलिंग सेक्शन में, सॉरी बैटिंग कीपिंग और ऑलराउंडर सेक्शन में से किसी एक सेक्शन में एक भी बार ट्रंप नहीं आया हो, ऐसी एक भी मैच नहीं गई है। आप खुद अपनी आँखों से देख लीजिए। और T20 वर्ल्ड कप के जो मैंने दिखाया हाईलाइट करके, उसमें भी देख लीजिए, उसमें भी वैसा ही हुआ है। देख लीजिए, खुद अपने आँखों से देख लीजिए। तो ये मैंने प्रूफ दिखा दिया है, तो ये दो प्रूफ दिखा दिया है। चलो T20 वर्ल्ड कप का भी दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ से देखिए T20 वर्ल्ड कप का, सॉरी ये नहीं है T20 वर्ल्ड कप का, ये है। देखिए ऑलराउंडर में एक ट्रंप आया, कीपर में एक ट्रंप आया, उसी तरह से ये मैच हुई है आखिरी की मैच, यानी कि कल हुई थी ये मैच इंडिया वर्सेस आयरलैंड की। तो आप देखिए ऑलराउंडर और बैटिंग सेक्शन में ट्रंप आया, यानी कि किसी एक या दो सेक्शन में आते ही आते हैं, कभी तीनों भी सेक्शन में आते हैं, लेकिन कन्फर्म एक सेक्शन में ट्रंप आएगा। तो ये टिप्स आपको मेरी तरफ से हैं, तो ये टिप्स मैंने बता दिया। चलो अब मैं आपको टीम बनाकर दिखाता हूँ। ये बैक आ गया, तो चलिए फिर भी कोई बात नहीं, मैं 2 से लेकर 3 टीम बनाकर दिखाऊंगा। तो हर टीम बनाते वक्त एक अलग अलग टिप्स बताऊंगा, वो टिप्स काम करेंगे। तो मैंने आपको क्या बोला था कि बॉलिंग सेक्शन में ट्रंप डालना है, तो सबसे पहले वहीं पे डालूंगा, क्योंकि अब तक जो आईपीएल के मैचेस हुए, T20 वर्ल्ड कप के हुए, हर मैच में बॉलिंग में ट्रंप आया है, एक भी मैच ऐसी नहीं गई जहां पे बॉलिंग में ट्रंप नहीं आया। तो इसलिए यहां पे मैं ट्रंप डालूंगा, 2 से लेकर 3 डाल सकता हूँ, 4 डाल सकता हूँ, मैक्सिमम आप 5 तक डाल सकते हो, 5 से ऊपर इस बॉलिंग सेक्शन में ट्रंप नहीं आते हैं। तो यहाँ से मैं डाल देता हूँ, एक ब्रैडविल को डाल दिया, उसके बाद ये ब्रैडविल जो है फास्ट बॉलर है, चलो स्पिनर भी 1-2 डाल देते हैं इसमें। तो स्पिनर यहाँ पे क्यूरी है, आप देख सकते हैं, सॉरी क्यूरी फास्ट गेंदबाज है। स्पिनर यहाँ से स्कोल्ड्स, हाँ ये स्पिनर है, तो इसको मैंने ट्राई कर लिया, 3 हो गए। तो इसमें और 2 डाल सकता हूँ या फिर नहीं भी डाल सकता हूँ, तो चलिए और 1 डाल देता हूँ, देखते हैं किसको मैंने लिया है। ये तेज गेंदबाज को डाल दिया, तो ये 3 हो गए हैं। अब मैं आपको, तो आपको क्या कर रहा है, ट्रंप प्लेयर है जो ट्रंप प्लेयर रहता है वो मैक्सिमम 7 तक लेना है। तो चलिए चेक करते हैं, यहाँ पे जेन ग्रीन 5वें 6वें नंबर पे आएगा, तो इसको आप ले सकते हो। तो यहाँ से मैं लेता हूँ ट्रंप प्लेयर, क्रूगर को लेता हूँ ओपनिंग करने आएगा अगर खेलता है तो, लिंगे को लेता हूँ, ये कभी कभी गेंदबाज भी कर देता है ओपनिंग करने आएगा। तो ये 2 प्लेयर ऐसे ले लिए हैं, तो इसमें मैं अब हाई सिलेक्शन डालूंगा, तो इसमें मैं हाई सिलेक्शन डालूंगा, वीज को डाल दिया, लिस्क को डाल दिया, फ्राइलिंग को डाल दिया, 5 हाई सिलेक्शन लेना है तो 3 ले लिया, और मुझे लेना है 2। तो बॉलिंग में हाई सिलेक्शन कौन है, मार्क वैट है, सॉरी यहाँ पे स्कोर जो आपको दिख रहा है ये हाई सिलेक्शन प्लेयर था, ट्रंप नहीं था। तो मुंशी को ले लिया,
तो मुंशी पिछले मैच में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी किया था, तो इस पे और एक बार रिस्क ले लिया है, तो यहाँ से और एक प्लेयर मुझे डालना पड़ेगा। मैथ्यू क्रॉस को डाल दिया हाई सिलेक्शन। तो ये एक हमारी टीम बनकर आ चुकी है, तो इसमें मैं कैप्टन बनाऊंगा। क्यूरी को कैप्टन बनाता हूँ और वाइस बनाता हूँ स्कोल्ड्स को। स्कोल्ड स्पिनर है, इसको 3 विकेट मिल सकते हैं, या फिर आप दोनों भी फास्ट बॉलर को कैप्टन या फिर वाइस बना सकते हो, आप इस तरह से बना सकते हो। चलो इसी के साथ मैं जाता हूँ, क्योंकि इस ग्राउंड पर T20 वर्ल्ड कप में फास्ट बॉलर को 3-3 विकेट मिल चुके हैं, स्पिनर को अब तक 2 ही मिले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 ही मिलते रहेंगे, 3 भी 4 भी मिलेंगे इस ग्राउंड पर, क्योंकि इस ग्राउंड पर कई सारे स्पिनर को 3 विकेट मिल चुके हैं, ज़्यादातर फास्ट बॉलर को 3 मिलते हैं, तो इसलिए दोनों को रख दिया है। चलो और एक टीम बनाकर दिखा देता हूँ। तो इसमें मैं ट्रंप प्लेयर मैंने नहीं बताया कितने मैंने लिए थे, तो यहाँ पे क्रूगर और लिंगे, ये 2 ट्रंप है, उसके बाद तीसरा ट्रंप है यहाँ पे क्यूरी है, चौथा ब्रैडविल है, पांचवा सोल है, तो 5 ट्रंप मैंने लिया था और 6 हाई सिलेक्शन लिया था। तो इस चलो आपको और एक टिप्स बताता हूँ दूसरे मैच में किस तरह से, वो टिप्स ज़रूर काम करेगी दोस्तों, ये कन्फर्म है। तो यहाँ पे ऐसे कुछ प्लेयर है जिनको कोई लेना नहीं चाहता, लेकिन वो कन्फर्म चलेंगे आज के मैच में। तो कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं, चलो यहाँ पे ग्रीव्स है ऑलराउंडर, उसके बाद धैन ग्रीन है, इसको कोई लेना नहीं चाहता, लिंगे है, ये तो ओपनिंग ही करेगा, ये तीसरे नंबर पे आएगा मैकमुलन, उसके बाद क्रूगर ये ओपनिंग करेगा, इसको नहीं लेना चाहता कोई, ओली हारिस दूसरे नंबर पे आता है, इसको कोई लेना नहीं चाहता, डेविन भी दूसरे नंबर पे आता है, इसको कोई लेना नहीं चाहता, उसके अलावा बैरिंगटन आपको दिख रहा है, ये तीसरे नंबर पे ही आता है, उसके अलावा यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन में, चलो बॉलिंग में लूँगा मैं नहीं, इसको कोई लेना नहीं चाहता, 4 ओवर डालेगा ये, विकेट भी लेता है कभी कभी, 4-4 विकेट ले लेता है। इसमें से कौन कौन से प्लेयर है अब तक 4 विकेट ले चुके हैं वो मैं आपको बताता हूँ, सोल 4 विकेट ले चुका है अब तक, लूँगा मैंने ले चुका है, क्यूरी ले चुका है, ट्रंपल मैन तो वो इस T20 वर्ल्ड कप में ही लिया था, तो स्कोल्ड को भी 3 से लेकर 4 विकेट मिल जाते हैं, तो ये लूँगा मैंने को ले लिया, ब्रैडविल इसको ले लिया, और क्यूरी, ये ऐसे प्लेयर है जिन पे कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं बताता हूँ इनमें से कोई ना कोई आज के मैच में कन्फर्म आएगा ड्रीम टीम में, अगर नहीं आया तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो इनमें से कुछ प्लेयर को मैं लेता हूँ और टीम बनाता हूँ, तो यहाँ से मैं लूँगा मिनी और ब्रैडविल दोनों को, लूँगा मिनी ब्रैडविल और क्यूरी तीनों को रख देता हूँ, और यहाँ से मैं इसको ड्रॉप करूँगा, मैकमुलन ओली हैरिस ये दोनों को ले लिया, तो 5 ऐसे प्लेयर लिया हो जिन पे जिनको कोई लेना नहीं चाहता, लेकिन इनके ग्रैंड लीग में आने के चांसेस है ड्रीम टीम में। तो यहाँ से मैं अब और एक प्लेयर डाल देता हूँ ट्रंप वाला, बैरिंगटन को डाल दिया, तो इसमें मैं अब हाई सिलेक्शन डालूँगा प्लेयर 5, तो यहाँ से मैं डालता हूँ मैथ्यू क्रॉस को, उसके बाद माइकल जॉन्स, चलो हाई सिलेक्शन बोला तो हाई सिलेक्शन ही डाल देता हूँ, मुंशी को डाल दिया, इरास्मस, डेविड विज, लिस्क, तो ये एक हमारी टीम बनकर आ चुकी है, जहाँ पे मैंने स्कॉटलैंड के फेवर में टीम बनाई है।
तो अगर स्कॉटलैंड पहले बल्लेबाजी करती है तो ये टीम हमारी चल सकती है, तो यहाँ से मैं कैप्टन बनाता हूँ। विज को कैप्टन और इरास्मस को वाइस कैप्टन। तो ये दोनों भी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों करते हैं, इसलिए मैंने दोनों को कैप्टन और वाइस बना दिया है। तो ये टॉप ऑर्डर बैटर, सॉरी मिडल ऑर्डर बैटर है। विज तो मिडल ऑर्डर, ये पांचवे छठवे पे आता है। इरास्मस ये तीसरे पे चौथे पे पांचवे पे आता है, तो इनको तो बैटिंग मिलेगी अगर नामीबिया की टीम कोलैप्स करती है। तो ये इन इन दोनों पे मैंने रिस्क लिया। तो चलिए और एक मैं आपको टीम बना कर दिखाता हूँ। तो इसमें मैं और कुछ अलग टिप्स बताता हूँ, तो ये भी टिप्स आपको काम में ज़रूर आएंगी, कंफर्म आएगी। तो ये आखिरी टीम रहेगी, इसके बाद वीडियो को ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, चलो यहाँ से बैटिंग से स्टार्ट करते हैं। बैटिंग में आप देख सकते हैं हाई सिलेक्शन कितना है। यहाँ पे बैटिंग में हाई सिलेक्शन सिर्फ दो है, एक तो मुंशी है, दूसरा जेजे स्मिथ है। मुंशी ओपनिंग करता है, जेजे स्मिथ चौथे नंबर पे आता है, ये दो हाई सिलेक्शन है। तो ट्रंप प्लेयर ये यहाँ पे कितने है, बैटिंग सेक्शन में ट्रंप प्लेयर ज़्यादा है यहाँ पर। यहाँ पर तीन हो गए, चार पाँच छः सात, सात ट्रंप प्लेयर है। तो सात में से ऐसा तो नहीं होगा कि सभी के सभी फ्लॉप हो गए और सिर्फ हाई सिलेक्शन चलेगा, ऐसा तो नहीं होगा। इसमें से कुछ प्लेयर खेलेंगे, चार या पांच खेलेंगे, उसमें से एक या दो ट्रंप प्लेयर ज़रूर आएगा। तो इसमें से एक दो डाल देता हूँ। यहाँ पे मैकमुलन तीसरे पे आएंगे, इसको डाल दिया। उसके बाद जोन्स को डाल दिया, लिंगे को डाल दिया। तो ये तीन ट्रम्प डाल दिया मैंने, और एक हाई सिलेक्शन भी डाल देता हूँ। कंफर्म तो नहीं है इसमें हाई सिलेक्शन डालना, क्योंकि यहाँ पर दो दो ही हाई सिलेक्शन है, तो हो सकता है दोनों में से दोनों भी फ्लॉप हो जाए, इसलिए इनके जगह पे मैं कोई और डाल देता हूँ। यहाँ पे जेन ग्रीन को डाल दिया। उसके बाद ग्रेव्स को और जारविस को डाल दिया, ये दोनों भी गेंदबाजी करेंगे। डायलन लीचर ये भी गेंदबाजी करेंगे, तो इसको भी डाल दिया। तो मैंने कितने ट्रंप लिए हैं चेक करते हैं। कीपिंग में एक, बैटिंग में एक, ऑलराउंडर में तीन, तो पांच हो गए, और एक या दो मुझे लेना है। तो बॉलिंग में दो तो कंफर्म लूँगा, मैं लूँगा मैं नहीं 16, ये दो हो गए। तो इसमें मुझे हाई सिलेक्शन डालने हैं, तो दो डालूँगा। फ्राइलिंग सॉरी विज को डाल दिया, फ्राइलिंग को डाल दिया। तो ये एक हमारी टीम बन के आ चुकी है एकदम यूनिक। तो इसमें मैं कैप्टन बनाता हूँ डेविड विज और लूंगा मैनी को कैप्टन और वाइस बनाता हूँ। तो ये एक हमारी टीम बनकर आ चुकी है। लूंगा मैनी अगर चार विकेट ले लेता है, तीन या चार, और डेविड विज तीन विकेट और थोड़े रन बना देता है, तो ये हमारा काम बन सकता है। तो ये एक हमारी टीम हो चुकी है। तो मैंने तीन टीम आपको बनाकर दिखा दिया। तो इस तरह से आपको ग्रैंड लीग की टीम बनानी है, तो इसमें आपको स्पिनर और फास्टर दोनों को रखना है। तो चलिए देखते हैं स्पिनर। यहाँ पे ग्रिव्स, यहाँ पर मैंने एक स्पिनर रख दिया है, तो स्पिनर को रखना ज़रूरी है। स्पिनर इस यहाँ पे देख सकते हैं, लेग ब्रेक बॉलर है यानी कि स्पिनर है। तो स्पिनर इस ग्राउंड पर विकेट लेते हैं, इसलिए स्पिनर को भी रख दिया है मैंने। तो ये सब ये टिप्स थे जो मैंने इस प्रेडिक्शन के दौरान आपको दिए। तो इस टिप्स का यूज करते हुए आप बेहतरीन ग्रैंड लीग की टीम बना सकते हैं, रिस्की टीम बना सकते हैं। रिस्की टीम ही फर्स्ट रैंक पे आएगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इस तरह के
और भी वीडियोस आपको अगर मैं डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं अगर आपको पसंद आया हो वीडियो। अगर नहीं आया हो तो मत कीजिए, मैं नहीं बोलूँगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तभी करिए, नहीं तो मत कीजिए। तो ये मैंने प्रेडिक्शन कर लिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।